फर्जी शख्स लाइसेंस मामले में एसआईटी की टीम अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद है कि मंगलवार को फर्जी लाइसेंस मामले में पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। इस दौरान फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए फर्जी असलाह लाइसेंस जाँच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम के प्रभारी एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया, जो फर्जी लाइसेंस का मामला चल रहा था, अब तक क्या कार्रवाई? अब तक 10 मुलजिम इसमें गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। करीबन इसमें 6 असला रिकवर किए गए थे, कुछ फर्जी लाइसेंस की कॉपीज रिकवर की गई थी और इसमें काफ़ी हद तक जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो सामने आया। साइबर सेल की, साइबर एक्सपर्ट्स की भी इसमें ओपिनियन लिया गया था, राय ली गई थी और एक दो तीन हार्ड डिस्क हमने सीज किए थे, लैपटॉप सीज किए थे। सभी को खंगाला जा रहा है, कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ हद तक आना बाकी है और अभी एक जो सूची हमें मिलेगी राजस्व विभाग से कि कितने लोगों के पास जनपद में अवैध तरीके के असले हैं, वो सूची के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सर, कुछ रविंद्र हाउस के अलावा और दुकानें भी आई हैं? ऐसी हमें कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जब राजस्व विभाग से हमें सूची मिल जाएगी कि ये गन हाउसेस है, ये लोग हैं जो हो सकता है इसमें लिप्त है या इस तरीके का काम किया है, तो उनको हम लोग गुण दोष के आधार पर देखेंगे। सर,